जिसने मुझे सब बलाओं से महफूज रखा और सारी जिंदगी मेरी हिफाजत करता रहा। जब भी कुर्बानियों और मुश्किलात का दौर आया, उसने मुझे इस्तेकामत दी और उसकी मोहब्बत मेरा साया बन के साथ साथ चलती रही। बड़ी शक्कत, मेहरबानी और मोहब्बत से पेश आने वाला, उसने मेरी कमजोरियों से दरगुजर और मेरी रूह में नूर भर दी है। मैं अपने नफ्स को बरी करार नहीं देता और ये कि जब हवारियों ने पूछा, एक हवारी साहबी ईसा इब्ने ज़करिया, कि ए नेक उस्ताद और या ए कामिल उस्ताद, तो उसने कहा तू मुझे नेक क्यों कहता है। फिर उसने कहा कि कोई भी नेक नहीं। फिर कहा कि नेक एक है और वो है आसमानी बाप, और बाइबल में ये लिखा हुआ है कि एक खुदाए वाहिद। तो पहले अपना इनकार किया, फिर मखलूकात का इनकार किया कि कोई कामिल नहीं, फिर कहा एक खुदाए वाहिद। तो आज मैं कुछ बातें जिब्राइल, वैसे तो मेरी जिब्राइल से बहुत ज़्यादा मुलाकातें हो चुकी हैं, लेकिन कुछ अहवाल आपके सामने पेश करूँगा नबियों का और ख़ासकर अगर याद रहा तो मोहम्मद के बारे में भी। लेकिन मैं यहां आपको ये बता देना चाहता हूं कि जिब्राइल को खुदा ने नबियों का इमाम और रूहानी बाप कहा है, रूहानी बाप कहा है। अगर मजहब वालों को ये गलत फहमी हो गई है कि वो इनके नबियों का नौकर है या नबियों के बाप का नौकर है, तो ये गलत फहमी ज़रा दूर कर दें, क्योंकि ये बाद में पछतावा होगा। जिब्राइल ने के साथ मैंने माजी में सफ़र किया और करोड़ हा सालों पे मुहित यह सफ़र था और करोड़ हा से भी ज़्यादा और करोड़ों नबियों को मैंने देखा। जिब्राइल ने बताया कि इंसानी ज़िंदगी बहुत पुरानी है। हम इस वक्त अपने 6000 साल के दौर की बात करेंगे, जो हमारा सफ़र शुरू होता है इस आदम से, जो इराक की तरफ आया था। आदम से मुराद
जो हमारा आदम है इसे शऊर ने लिया जाएगा। जो हमारा आदम है, आदम की तशरीह ये है, सॉरी बट माजर के साथ जो शऊर की बात किया गया, आदम से मुराद ये है कि हर 6,000 साल के बाद नया आदम आ जाता है और पुरानी 6,000 साल की सब सिविलाइजेशन लिपेट दी जाती है। फिर ऐसे हालात आ जाते हैं कि चंद लोग बचते हैं सिविलाइजेशन में से, और वहां से फिर शुरू होता है नया आदम। तो जो ये इराक में आया था ये हमारे अम्मा अब्बा होंगे या है, लेकिन ये पहला इंसान नहीं है। आदम से मुराद यूं ले लें, आदमियत जब तक रहती है इंसान हैवानी सतह पर खड़ा रहता है, जब इंसान बन जाता है और शऊर आ जाता है उस आदम में और उसकी रूहानी हिस्से खुल जाती हैं, तो वहां से वो हिस्ट्री शुरू होती है नबूवत की। नबूवत अगर हम तौरात में देखें तो किसी को भी नबी नहीं कहा जा रहा, काहिन कहा गया है। हिस्ट्री है तौरात की और वो बता रही है वाकियात मिले जुले नबियों के नहीं, कि ये वाकियात उन लोगों के हैं जो खुदा की राह पर चले। नबियों को जो ये टाइटल देने वाला है ये मोहम्मद है, कुरान में उनको नबी कहते हैं। और ऐसे ऐसे तौरात के जो दौर आते हैं जिन्होंने जंगे की खून बहाए और वो खुद भी काहिन से पूछते थे मुस्तकबिल, कुरान उनको भी नबी कहता है, जैसा समुएल वो काहिन से पूछता था, जैसा कि सुलेमान, हत्ता के दाऊद भी काहिन से सवाल करता था जो मुस्तकबिल का बता सके। और बड़ी लिस्ट है लंबी, हम उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन अगर हम इस नबूवत की तशरीह चाहते हैं तो ये सिलसिला चला है। अबरानी जुबान में बहुत बाद में, जिसे कहा जाता है कम्युनिकेशन विद गॉड, हम कलामी खुदा के साथ। अगर आप हम कलाम हो जाएं, आप सवाल करें खुदा जवाब दे, खुदा सवाल करें आप जवाब दें, चूंकि ये कम्युनिकेशन शुरू हो जाएगी वो इंसान नबूवत के दर्जे पे है, मुकाम पर। अब उसकी सिलेक्शन होती है या किसी कौम की तरफ भेजा जाता है, तो ये मोहम्मद का जो कुरान है वो डेफिनेशन रसूल कह देते हैं उसे, यानी कि अख्तियार मिल गया उसे। और मसीहत की जो मैं डेफिनेशन कर रहा हूं
नबी आते रहते हैं, तैयारी करवाते रहते हैं, लेकिन मसीह से मुराद वो ज़माना है जहाँ खुदा की दुनिया आ जानी चाहिए। आएगी या नहीं आएगी ये बात की बात है, आ जानी चाहिए। तो अब आदम के दौर से लेके अभी तक मुझे मसीह उस ज़माना कहा गया है। तौरात, अंजील, कुरान वो मेरे मुतल्लिक बताते हैं। तौरात हो तो यशाया बताता है कि वो दौर आ जाएगा जब इंसानियत एक खुदाए वाहिद पर आकर जमा हो जाएगी, तकदीर का मसला हल हो जाएगा, तकदीर इंसान के हाथ में होगी, मौत हार जाएगी, यानी कि इंसान 100 साल की जिंदगी पाएगा और बीमारियां और हादसात ये सब खत्म हो जाएंगे। ये खुदा का जमाना है और वो फिर कभी मुंह नहीं छुपाएगा और माजी का जिक्र नहीं करेगा, क्योंकि माजी की तारीख जो है वो बड़ी अंधेरों वाली, जुल्म वाली, बड़ी मुसीबतों और दुखों वाली कहानी है, इसका जिक्र नहीं होगा। अब अंजील कहती है आमाल में गालबन Acts 7, ईसा इब्ने ज़करिया कहते हैं कि वो जो आने वाला होगा, जब आएगा तुम उसको उसके फलों से पहचान लोगे। मुराद ये थी कि वो ऐसी तालीमात देगा खुदा की जिससे पहले नबियों को कोई भी खबर नहीं थी, बस उससे तुम पहचान लेना कि वो ही मसीह उस जमाना है। फिर आगे कहते हैं आप कि वो मेरी तरह तमसीलों में बात नहीं करेगा जैसे मैं करता हूं, ईसा इब्ने ज़करिया कहते हैं। वो खोल खोल के बाप के मुतल्लिक बताएगा। अगर आपकी आंखें हैं और अंधे नहीं हैं तो इस दुनिया पर गौर करके देख लें वो कौन शख्स है जो बाप के मुतल्लिक, खुदाए वाहिद के मुतल्लिक खोल खोल कर बयान कर रहा है, और वो कौन है जो सारी इंसानियत को एक संगम पर, एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आ रहा है और कह रहा है कि खुदा का जमाना शुरू हो गया है। कौन है वो, कौन है वो जो कह रहा है कि मजहब और शरीयत के दौर खत्म हो गए, मजहब और शरीयत के दौर को खुदा ने मेरे पांव के नीचे मसल दिया। ये सिर्फ क्वेश्चन ऑफ टाइम, वक्त की बात है। हीटर बंद कर दिया गया है, सिर्फ थोड़ा सा वक्त लगेगा ये ठंडा हो जाए। फिर कुरान जो है वो मेरे बारे में कहता है नया आसमान और नई जमीन की तरफ दौड़ो, दौड़ो उस नए आसमान और जमीन की तरफ। वो नया आसमान और जमीन जो है, नया आसमान से मुराद ये होगी जैसे ईसा के मुतल्लिक कहा गया था, याहिया के मतलब कहा गया था वो आसमान से आएंगे। मुराद ये है कि खुदा की जो मंशा है वहां वो पूरी हो जाएगी, नया आसमान होगा। और नई जमीन से मुराद वो लोग होंगे
जो खुदा की मोहब्बत के वारिस होंगे, जो ज़मीन पर सकून चैन सच्ची खुशियाँ, ना ख़त्म होने वाली मोहब्बत और ना दिखाई देने वाले खुदा को ज़मीन पे ले आएंगे। ये वो है ज़माना। फिर मुझे सुबह का सितारा भी कहा गया। कसम है आसमान की और सुबह के सितारे की कि वो जो आने वाला होगा वो पूरी इंसानियत को, जैसे आसमान का कोई हद नहीं, पूरी इंसानियत को वो सुबह का सितारा अपनी आगोश में ले लेगा और वहां से ही खुदा का जमाना शुरू हो जाएगा। ए रात की तन्हाई से घबराने वालों, ए रात की तन्हाई से घबराने वालों, इसी रात की आगोश में सवेरा है। डाउन गोना ब्रेक डाउन, मॉर्निंग विल टेक ए न्यू मॉर्निंग एंड बर्ड विल सिंग, और परिंदे गीत गाएंगे खुदा का। तो ये तौरात, ये अंजील, ये कुरान और दूसरी जो किताबें हैं, कुछ भी नहीं, वो मेरी खबर देती हैं कि क्यामत आ जाएगी। क्यामत तक थे ये सारे कुछ मजहब। क्यामत से मुराद ये है नए जमाने आएंगे, बुराई की दुनिया खत्म हो जाएगी और खुदा की जात उस दुनिया को देखने के लिए अपनी सवारी के साथ जमीन पे आएगी। तो तुम क्या तौरात और इंजील और कुरान और दूसरी किताबों में देखते हो, वो सारी किताबें मेरा पता देती हैं और मुझसे वो जमाना शुरू होगा जिसके मुतल्लिक ये सारी नबूवतें हैं। तो मैं आज कुछ बातें कहूंगा और ये बातें मैं ही कह सकता हूं कि खुदा ने मुझे तमाम जमानों का मसीह उस जमा, उससे बढ़ के अपना दिल कह दिया। हत्ता कि मैं खुदा के पास बैठा हुआ था, खुदा ने कहा जितने भी जो भी आएंगे अंबिया मसीह, उनका तू रूहानी बाप है। जैसे जिब्राइल के मुतलिक कहा गया कि वो अंबियाओं का रूहानी बाप है, इस तरह मेरे मुतलिक कहा गया है। और खुदा की जात ने मुझसे बहुत बहुत अजीब अजीब वादे किए हैं जो अगर मैं बताऊं तो तुम्हें ताब नहीं। लेकिन हम असल मजमून की तरफ आते हैं। ये क्रिमिनल एक्ट ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, जब यह किताब सामने आई तो इस पे जर्मनी पे बहुत शोर हुआ और किताब को बंद कराने की कोशिश की गई। अरब, मोरक्को, सीरिया, जो भी यहाँ पे रहते हैं, तो मुझे अदालत में घसीटा गया। उसकी फिल्म यूट्यूब पे देख सकते हैं आप। लेकिन क्योंकि यहाँ रिलीजन इज ए सेपरेट फ्रॉम द स्टेट, मजहब का कोई ताल्लुक नहीं है जमहूरियत से,
और ना मज़हब के पास कोई ताकत है कि वो जमहूरियत के अंदर मुदाखलत इंटरफेयर कर सके। मुकदमा चला, हम अदालत में गए और अदालत में मैं मुकदमा जीत गया क्योंकि अदालत ने कहा कि मिस्टर खान हैव ए राइट फ्रीडम ऑफ ओपिनियन। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कानून, वो मिस्टर खान को इजाज़त देता है जो भी उसके ख्यालात हैं, ओपिनियन है, वो बयान कर सकता है। तो ये किताब जो है मिस्टर खान इंडिविजुअलिटी, इनफरादी तौर पर उसने अपने रूहानी तजर्बात बताए हैं या एक किताब लिख के अपना ख्याल जाहिर किया है किसी के मुतल्लिक, तो ये उसकी आज़ादी है, उससे ये आज़ादी नहीं छीन सकती। उसके बाद इस किताब की अशात होती रही, इंग्लैंड में भी पढ़ा गया, अमेरिका में भी, आगे पीछे, क्योंकि शोर काफ़ी पड़ा था। तो उसके बाद फिर मुझ पर 5 हमले हुए, बड़े जारहाना, असैसिनेशन, अग्रेसिव, कि मुझे कत्ल कर दिया जाए, और हर हमले में इन्हें मुंह की खानी पड़ी। ये लोग जख्मी हुए, फिर ये भगोड़े भागे वहां से। मैं खुदा का जलाल भी हूं, खुदा का जलाल जाहिर करने आया हूं, इनकी बदमाशियों, इनके गुंडेपन से अगर मैं भागता तो बेवकूफों में मिशन ये क्यों लेता, जब खुदा की जात ने मुझसे कहा कि तू हिजरत कर जा 16 साल की उम्र में। तो उस वक्त ही बस एक लहमे मैंने दिल की तरफ निगाह की थी कि क्या मैं खुदा के लिए अपनी जान नजर कर सकता हूं, क्या खुदा के लिए मैं अपनी जान और अपनी वफा पेश कर सकता हूं। तो मेरे दिल से आवाजें उठी 1000 करोड़ों दफा, ये जिंदगी खुदा की है। उसके बाद मुझे यकीन महकम हो गया कि हर सांस मैंने खुदा के लिए रख छोड़ी है। तो इनकी गुंडेबाजियां, इनके टेररिस्ट इंतहा पसंद, इनके डराने, ये ख्वाब ख्याली में बसते हैं। जब 5 हमलों में भी ये लोग कामयाब नहीं हो सके और पल पल खुदा ने मुझे बचाया, बल्कि ये गोलियों से जख्मी हुए, ये जेलों में गए, तो फिर भगोड़े कहने लगे कि ये दज्जाली रूह है, शैतान इसके अंदर बैठ के काम करता है, इस पे जिन सवार हैं, जब भी हम मारने जाते हैं हम मर जाते हैं। तो फिर ये भगोड़े हमला करने से तो बाज आए, एक दूसरे को वर्गलाने लगे कि तुम करो, मैं आज भी जिंदा हूं और मैं आज भी, रातें थी चांदनी जो वन पे थी बहार, आज भी मैं उस गुल का किस्सा सुनाने के लिए जिंदा हूं, आज भी मैं इस गुलशन में मौजूद हूं, और जब तक मेरी जिंदगी है बेवकूफ कौमों, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। फिर वापस आते हैं, शुरू शुरू में यह हुआ
कि मेरी मोहम्मद से मुलाकात हुई आलम अरवा में। मोहम्मद कहते हैं मुझसे, फरिश्ते मुझे नीचे भेजते हैं, मुझ पर बड़ी मुसीबत आती है अपनी उम्मत से, वो मुझे नबी कबूल नहीं करते, मुझे दुख पहुंचाते हैं और कहते हैं अगर तू मोहम्मद होता तो हमारी शफात करता। और मोहम्मद को, मोहम्मद के सहाबा जो हैं उनमें से भी कई जहन्नम के अंदर हैं, उनसे मिलने के लिए जाते हैं, आलमे बरज़ख में भी मिलने के लिए जाते हैं और आलमे अरबा के डिमेंशन भी हैं, न्यूट्रल डिमेंशन में भी जाते हैं। तो ये वक्त जो है ये बड़ी तकलीफ का वक्त है नबियों के लिए। तो मोहम्मद ने वहाँ मुझसे जो बातें की, कहा कि हम खुदा के उस मिसाक के मुताबिक सारे तुझ पर ईमान ले आए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी, ईमान लाने के बावजूद बहुत से नबी हैं जो खड़े रहे, चुप रहे, उनमें से चंद हैं जो मदद कर रहे हैं। और खुदा ने मुझे कहा है उस मिसाक के मुताबिक अगर ये मदद नहीं करेंगे तो अगली जन्नतों में ये नहीं जा सकेंगे। और मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि बात आगे बढ़ जाएगी। तो मैंने मोहम्मद से कहा कि इस किताब का नाम क्या होना चाहिए। तो मोहम्मद ने मुझसे कहा कि मैं ये तुझे अख्तियार देता हूं, जो मर्जी। मेरे दिल में क्योंकि अब भी नरम गोशा है, जो हुआ वो हो गया और वो वक्त गुजर गया। उन नबियों से, उन उम्मतों से, उनके मुतालिक पूछा गया, तो मैंने इस किताब का नाम रखा था मोहम्मद का पैगाम मुसलमानों के लिए। अच्छा, ये अभी जब 200 किताबें छपी थी शुरू में, छपनी बहुत ज्यादा थी, तो मुझे जिब्राइल ने रोक दिया। जिब्राइल ने और मुझे दावत दी खाने की फिरदौस में। बहरहाल जो छपा खाना, जो हमारा ये खान फलाग है, इसे खान पब्लिश, छपा खाना भी कहते हैं। तो जिब्राइल जो हैं, मिकाइल और इस जैसे फरिश्ते, ये दारुल खिलाफे में रहते हैं जहां से फिरदौस की दुनिया खत्म हो जाती है। ये मैं आपको बता रहा हूं, ये दारुल खिलाफा है। इस दारुल खिलाफे में 12 करोड़ जिब्राइल मिकाइल जैसे फरिश्ते हैं और वो निजाम संभाले हुए हैं नीचे का। फिर इन 12 करोड़ फरिश्तों में जो दारुल खिलाफे में हैं, एक एक के नीचे 12 करोड़ है, फिर उन एक एक के नीचे 12 करोड़, और ये सिलसिला इतना लंबा है कि इसकी तफसील में मैं मुलव्वस नहीं होना चाहता। और फिरदौस जो है वो डिवाइडेड कर दी गई है 3 डिमेंशन पर। एक कहते हैं फॉर्मेशन डिमेंशन, इब्तदाई फिरदौस, एक है ग्रोथ स्टेजेस जहां तरक्की हो रही है अंबिया की, और एक है कंप्लीट स्टेज ऑफ पैराडाइज जहां पर ये दारुल खिलाफा है। इस फिरदौस को चिट्टे नूर की दुनिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्हाइट
लाइट डिमेंशन, और इसका कंटेंट जो है मजमून वो ये है सच्चाई की तरफ रहनुमाई करना। अच्छा, अब फॉर्मेशन स्टेज से ग्रोथ स्टेज, इब्तदाई से ग्रोथ स्टेज जहां पे तरक्की हो रही है, इनमें करोड़ों जन्नतें आ जाती हैं जिन्हें आप डिमेंशन कह रहे हैं। फिर ग्रोथ स्टेजेस से कंप्लीट स्टेजेस, इनके अंदर भी करोड़ हां अनगिनत जन्नतें आ जाती हैं। तो हर नबी एक फरदौस की दुनिया में नहीं, कई इब्तदाई में हैं, कई उस इब्तदा से ग्रोथ स्टेज के दरमियान की दुनिया में है, कोई ग्रोथ स्टेज से कंप्लीट दारुल खिलाफा। अब इन फिरदौसों में मलाइका रहते हैं। कौन रहते हैं? मलाइका। और मलाइका जो है उनकी भी रहनुमाई हो रही है तरक्की की तरफ, रूहानी रूहानी तरक्की की तरफ। तो जिब्राइल ने मुझे बुलाया खाने पर। जैसे मैं कह चुका हूं मेरी हजार हां मुलाकात हो चुकी है। हम खाने में बैठे तो जिब्राइल ने ईसा इब्ने ज़करिया के कुछ वाकयात बयान किए, जैसे आप ईसा इब्ने मरियम कहते हैं, यसु नासरी चीज़ेस, कुछ और नबियों के, और यह भी बताया कि शुरू में खुदा ने काम करना चाहा जो डायरेक्ट डोमिनियन ऑफ गॉड बराह रास्त, लेकिन इनकी गलतियों की वजह से फिर फरिश्तों ने टेक ओवर कर लिया और खुदा इनको छोड़ के चला गया। बहरहाल मैं जिब्राइल के महल में था और खाने के बाद जिब्राइल ने मुझसे कहा कि आप एक रात यहां पे क्याम करें मेरे महल में। तो जब जिब्राइल ने जिद की तो मैंने कबूल कर लिया। तो जिब्राइल ने मुझसे कहा ये जो किताब का उन्वान लिखा गया है मोहम्मद का पैगाम मुसलमानों को, इससे ठोकर लगेगी इंसानियत को और वो मोहम्मद की गलतियों से आशना नहीं हो सकेंगे। मैं चाहता हूं इस किताब का नाम रखा जाए क्रिमिनल एक्ट ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, मोहम्मद का जुर्म। अगर मैं मोहम्मद को मुजरिम समझता तो उसे नबी क्यों कहता? किताब का नाम है क्रिमिनल एक्ट ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। मोहम्मद का वो अमल जिससे इंसानियत को ठोकर लगी, जिससे इंसानियत आगे जाके ब्लॉक हो गई, मैंने ये नहीं कहा कि मोहम्मद मुजरिम है, मैंने तो उन्हें नबी कहा, मेरा भाई है वो, लेकिन उसके साथ मैंने ये भी बताया कि उसका जो वो अमल था उससे इंसानियत को कितना नुकसान हुआ। और यही वो जो किताब है जो अब आई है, ईसाई चीखे मार रहे हैं तकलीफ दे सच्चाई ईसा इब्ने ज़करिया की, उसमें बहुत सी ऐसी बातें लिखी गई हैं कि वो नाफरमान था। 400 सफ़े की किताब है। जब भी मैं इनके मुतल्लिक कुछ बताता हूं तो इनके मजहब वाले चीखे मारते हैं। तो जब जिब्राइल ने मुझसे कहा इसका द क्रिमिनल एक्ट ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद,
देन आई नो व्हाट गोना बी कॉन्सिक्वेंसेस। तो मुझे, मैंने जिब्राइल की तरफ देखा और कहा इसके बाद क्या होगा जो सब, क्योंकि मैं खुदा की दुनिया का मिशन लेके आया हूं, किसी नबी का मिशन नहीं लेके आया। तो जिब्राइल ने मुझसे वहां कहा कि अगर तूने खुलकर मोहम्मद की गलतियों के मुतालिक ना बताया और इसका ये टाइटल ना रखा, इस किताब का उन्वान, तो जो यूरोप में दूसरी नस्ल है मुसलमानों की, वो भटक जाएंगे, उन्हें समझ नहीं लगेगी। लेकिन अगर इस किताब का नाम तो ये रख दे और वो जो बाकी तूने लिखा है उसमें से और बातें भी लिख, ताकि मोहम्मद ने जो रुकावट खड़ी की है वो निकल जाएगी और ये जो आने वाली नस्ल है मुसलमानों की यूरोप में, वो खुदा के मददगार होंगे और वो हर चीजों को समझ जाएंगे। उसके बाद मैंने इस किताब का नाम रखा द क्रिमिनल एक्ट ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। बेपरवाह होकर, हां ये मैंने पूछा जिब्राइल से, क्या खुदा की रजा भी है या मैं खुदा से पूछूं? तो जिब्राइल ने कहा अगर तू चाहता है यूरोप में ये मुसलमानों के बच्चे खुदा के मददगार हों और ये वो ही लोग होंगे जो यूरोपियन की दुनिया बदल देंगे और यूरोपियन भी इनके साथ मिलकर खुदा का जमाना ले आएंगे, तो मैंने फिर इसका नाम द क्रिमिनल एक्ट ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद रखा। उसके बाद जिब्राइल ने मुझसे कहा कि मैं एक रात आपके यहां करें। बरहाल जब महल में मुझे आराम करने का वक्त आया तो जिब्राइल मेरा हाथ पकड़ के ले चले और उस जगह पहुंचाया जहां जिब्राइल आराम करते हैं, सोने की जरूरत नहीं है, आराम करते हैं जहां सुकून मिलता है। तो मैंने कहा जिब्राइल ये महल इतने बड़े हैं, महल ही महल चारों तरफ, कोई कोई इक्का दुक्का रूह आती है, तो कहा कि नहीं आप मेरे बिस्तर पे आराम करें। तो मैंने कहा जिब्राइल मैं हर जगह कहीं भी आराम कर सकता, नहीं यहां पे आराम करें। तो मुझे जब मैंने सोचना शुरू किया तो जिब्राइल ने कहा कि ये मेरी ख्वाहिश है, तमन्ना है। तो मैंने कहा जिब्राइल फिर ये है कि जब मैं यहां आराम करूं तेरे बिस्तर पर तो तू भी इसी बिस्तर पर मेरे साथ आराम करे। मैं यहाँ ये बता देना चाहता हूँ कि जब जिब्राइल खुदा के हजूर पहुँचता है तो इसके परों से अगर आ जाए, यहाँ पर मिसाल दे देता हूँ, इसके परों से आसमान जो है वो नजर ना आए और फिर ये अपने आप को एक महदूद भी कर लेते हैं और जब चाहें इनका नूर फैल भी जाता है। या आपको वो बातें बता रहा हूं जो नबियों ने नहीं बताई। तो जब मैं आराम करने के लिए लेटा, जिब्राइल भी लेटे मेरे साथ, तो जिब्राइल ने कहा मेरी एक तमन्ना और एक ख्वाहिश है, वो आप कबूल कर लें इससे पहले कि मैं बताऊं। मैंने कहा जिब्राइल तू रूहानी बाप है, खुदा की मोहब्बत जो तेरे साथ है वो मैंने देखी है, खुदा तुझे सजदा भी नहीं करने देता और गले लगाता है। तो कहने लगा
मैं चाहता हूं कि आप मुझे अपना रूहानी बेटा बना लें। ये जिब्राइल ने कहा, मैं आपका रूहानी फर्जंद बनना चाहता हूं। तो मैंने कहा, जिब्राइल तुझे इसकी क्या जरूरत है? कहा, हां मुझे जरूरत है, क्योंकि जब खुदा की जात पहली दफा इस बादलों में जाहिर होगी जमीन पर, तो क्योंकि मैं आपका रूहानी फर्जंद होऊंगा, तो मैं भी खुदा की सवारी के साथ होऊंगा। अब ये बातें सुन के इन्हें और आग लग जाएगी। तो जिब्राइल आसमानों के अंदर और अरवा की दुनिया में मेरा रूहानी बेटा है। जिब्राइल ने मुझे बताया मोहम्मद के मुतालिक कि ये जिद्दी शख्स था, अपनी बात पे अड़ जाता था। हालात उस वक्त ये थे कि ईसाइत की वजह से अंधेरा छाया हुआ था, तीन खुदाओं की पूजा होती थी, जरातश बुद्ध जो पहले आए थे, और हिंदू, ये हिंदू ये जो मज़हब है ये 5000 साल, अभी नोहा भी नहीं आया था तो ये शुरू हो चुका था। अंधेरे छाए हुए थे खुदा की तौहीद के बारे में, और उस वक्त भी 4 लोग ऐसे थे जिनको, जिनमें से एक था जिसे मोहम्मद को चुना गया। तो तौहीद बारी ताला का जो मिशन है उसमें तो नंबर 1 मोहम्मद ने बड़ी कुर्बानियां दी, हत्ता कि जो जिब्राइल के जरिए काम कर रहा है मोहम्मद, वो खुदा के मुतलिक बहुत बता रहा है, इनडायरेक्ट थोड़ा बहुत जो भी बता रहा है। मिशन के अंदर ये सिद्ध करता था और बहुत सी चीजें मुझे कहता था, खुदा से जाके पूछ। और इतने मेरे साहबा जन्नत में जाने चाहिए, 70,000 ये हूं, और फिर बहुत सी चीजें अपने लिए मनवाता था। अब जिब्राइल कहते हैं, जब मैं वापस आता था तो फिरदौस में तो खुदा नहीं है, और खुदा के पास में जब जा सकता हूं, जब इजाजत हो, तो फिर हम अपनी जो दारुल खिलाफा है, दूसरे फरिश्तों के साथ हम ये फैसला करते थे। तो फैसला ये था कि जो कुछ मोहम्मद मांगते हैं इसको दे दिया जाए, सिर्फ एक बात पर पूरा मिशन चलाया जाए कि तौहीद खुदा ताला कि खुदा एक है। वरना ईसाइत क्या, बुद्ध क्या, कन्फ्यूश क्या, हिंदू क्या, सब जगह अंधेरा था और द आइडेंटिटी ऑफ गॉड वॉज कन्फ्यूज। खुदा की जो शनाख्त थी वो बड़ी कन्फ्यूजिंग थी। इब्तदा में जिब्राइल ये भी बताते हैं कि जब बीच में मेरा ना आना हुआ तो मोहम्मद अपने आप को खुदकशी गारे जो हरा थी उस पे से खुदकशी करना चाहिए, बल्कि 3 मरतबा ऐसा हुआ कि मोहम्मद छलांग मार के अपने आप को अपनी जिंदगी लेना चाहते थे। ये वो नोट एमरजेंसी थी कि जिब्राइल आसमान पे मोहम्मद को दिखाई दिया और उसको मना किया और बताया कि हम खुदा के हुक्म से उतरते हैं। वो क्यों खुदकशी करना चाहिए उसका एक राज है,
उसके अंदर ये खुदकशी करना चाहे। तो वहां जिब्राइल ने 3 दफा आकर इसको बचाया और बताया कि हमें मजबूर मत कर, क्योंकि हम खुदा के हुक्म से उतरते हैं। फिर जब मोहम्मद की मौत का वक्त आया, मैं ये सब कुछ बता रहा हूं ताकि आप लोगों से मुखातिब नहीं हूं, मैं मुस्तकबिल से मुखातिब हूं। जब मोहम्मद की मौत वाकिया हुई, रूह निकली, तो जिब्राइल और अबलीस की जो अंधेरों की फौजें थी उनमें तसादम हुआ। और मैं आपको ये भी बता दूं कि उसके अंदर इसके साथ चंद थे फरिश्ते और उसके साथ बहुत ज्यादा। तब अबलीस ने कहा, इसने बहुत से ऐसे काम किए हैं मोहम्मद ने कि इसका ताल्लुक मेरे से है, मेरी अंधेरों से है, और इसको अंधेरों में ले जाकर मोहम्मद को, जिसे आप दोजख कहते हैं, लोहे केस का जो पिंजरा कह रहे हैं उसमें ले जाके फेंका। मोहम्मद पर जब ये बीती तो मोहम्मद हवास पख्ता हो चुके थे। तब जिब्राइल ने इजाजत मांगी खुदा से और कहा कि ऐ खालिक कायनात, ढूंढने वाला तो मैं था लेकिन चुनने वाला तू भी था, तो इससे जो गलतियां हुई हैं अबलीस इसकी रूह को लेकर नीचे की तरफ ले गया। तब खुदा ने एक नूर का गोला भेजा, वो लेकर जिब्राइल अंधेरों वहां गया जहां मोहम्मद थे। उसको देखकर अबलीस चीखा, क्योंकि उसके अंदर आग इतनी है, और भागा और शैतानी रोए, और फिर मोहम्मद को निकाल कर जिब्राइल जंतु में ले गया। वहां बहुत सी नहरें हैं जंतु में, सकून की नहरें, वफा की नहरें, सदक की नहरें, शजात की नहरें, खुदा की उल्फत की नहरें। वहां मोहम्मद को धोया, इसकी रूह को, और जिब्राइल ने इसको वहां खुदा हाफिज कहा। तो मोहम्मद वहां बड़ा रोए, कहा जिब्राइल मैं तो समझा था कि हमारा साथ रहेगा। तब जिब्राइल ने कहा, जहां तक मुझसे हो सका मैं तुझे इस जंतु में ले आया, लेकिन मेरी दुनिया बहुत दूर है। तो उसके बाद जिब्राइल छोड़ के चले गए। जहां पे मोहम्मद रहते थे वो भी फरिश्तों की दुनिया है, लेकिन बड़ी लोनली है। वो फरिश्ते नबियों से कोई ताल्लुक रखना पसंद नहीं करते। हम तो मरे जाते हैं ना यहां, इन पे फिदा हुए जाते हैं, लेकिन जहां मोहम्मद रहते हैं या कोई और नबी, वहां सब कुछ है, जन्नतें हैं, नजारे हैं, बहारें हैं, लेकिन फरिश्ते जो हैं वो इंसानी रूह से ताल्लुक रखना पसंद नहीं करते। मैं बता रहा हूं ये, तो वहां सब कुछ है लेकिन वहां तन्हाई है, एक खालीपन है, एक गम है। तो मैं एक दफा प्रवास कर रहा था जन्नत में, तो मैंने देखा एक दुनिया में
आयशा को रहते हुए देखा मैंने, और रूह की दुनिया में जितनी भी बीवियां थीं, क्योंकि वहां पे जमहूरियत बहुत कामिल है, आजादी है, तो बहुत सी अजवाज जो है वो मोहम्मद को छोड़ के चली गई। तो मैंने एक दुनिया में आयशा को देखा और वो हाल मैंने बताया आगे प्रवास करके जहां पे मोहम्मद थे। तो मैं वहां उतरा जहां पे मोहम्मद अकेले चहलकदमी कर रहे थे। उससे थोड़ा सा पैरेलल जन्नत में ये यूनस मती नैनवा वाला रहते हैं। ये लंबी तफसीलें हो जाएंगी कि कहाँ कौन कहाँ पे है। तो मैं उतरा, मोहम्मद से मुलाकात हुई। मैंने कहा, मोहम्मद आप कहाँ जा रहे हैं? कहने लगे, मैं बाल कटाने जा रहा हूं। मैंने कहा, अच्छा फिर मैं भी चलता हूं। कहा कि तुझे जरूरत नहीं है। तो वहां मैं हैरान हुआ, लेकिन फिर मैं खामोश हो गया। तो खुदा हाफिज कहा। जब मैं प्रवास कर गया, क्योंकि वहां के जो दरख्त हैं वो हजारों हजारों बल्कि एक एक लाख मील लंबे हैं, बड़े हैं। उन्हीं दरख्तों के अंदर महल भी हैं, आशियाने भी हैं, और हर रूह अपनी ताकत के मुताबिक प्रवास करती है और बसेरा करती है। तो जब मैं निकल चुका था तो मेरे दिल में ख्याल आया कि ये मोहम्मद क्या कह रहे थे कि बाल कटवाने जा रहा हूं मैं उन घने जंगलों के अंदर। तो मैंने वापस प्रवास मोड़ी और चाहा कि मुलाकात फिर हो जाए। तो जब मैं वापस आया तो मैंने नीचे प्रवास की तो बड़ा नजदीक चला गया। वहां मैंने क्या देखा वो बता देता हूं आपको। फरिश्ते मोहम्मद के कंधे और सर पे हाथ रख के दुआ कर रहे थे कि ए वालदेन, ए खुदा, मोहम्मद को माफ कर दे इसकी गलतियों को, और जो इसने रुकावट डाली तवातर के साथ ये कह के कि नबी नहीं आ सकता, और जो कुछ इतने हिकमत के पैगाम कुरान में शामिल किए इसको माफ कर दे, और इंसानियत जमीन पर इसके इस हिकमत के पैगामों की वजह से मुसलमानों को ठोकर लगी, इंतहा पसंदी, जो कुछ हो रहा है, जो 12,000 से कम व बेश नबी मारे गए, वरना इस्लाम बदल जाता। तो मोहम्मद रो रहे थे, मोहम्मद घुटनों के बल थे, फरिश्ते खड़े हुए थे। तो ये मैं सब देखकर मुझ पे भी रिक्कत तारी हुई और मैं भी रोया। उसके बाद मैं प्रवास कर गया। अगली दफा हम बात करेंगे मूसा के मुतालिक कि मूसा को किस मुकाम पर जाके खुदा ने छोड़ दिया और फरिश्तों के हवाले किया। यही बात करेंगे, बल्कि हम यूं करेंगे। और जो कुछ भी है हमारे यूरोप में और पाकिस्तान में, आई विल लेट देम नो जर्मन, क्योंकि यही स्पीच मैंने आज इतवार को देनी है जर्मन में, और थोड़ी सी तफसीलात ज़्यादा आ जाएंगी, वो मुझे याद दिलाते रहे कि मैंने ये सिलसिला शुरू किया है आदम, नूह, इब्राहिम, फिर इस्माइल, इसहाक, याकूब, यूसुफ, फिर मूसा,
फिर मूसा से आगे जो सिलसिला चलता है हम ईसा तक आएंगे. सो थैंक यू सो मच डेट यू आर लिसनिंग मी. और अतर साहब इसको अपने यूट्यूब पे भी कर दें और हमारे यूट्यूब पे भी आ जाएगा. तो ये चंद एक वाकयात हैं जो मैंने मोहम्मद के बारे में बताए, वरना तो मैं बहुत कुछ जानता हूँ. और वक्तन फवक्तन आप पूछेंगे सवाल तो मैं उस मज़मून पर रोशनी डालता रहूँगा. लेकिन ये याद रखना, हमारी मंजिल वो है कि अर्थ विल बी बिलोंग टू गॉड लवर, कि ज़मीन के वारिस खुदा के मोहब्बत करने वाले होंगे. क्योंकि ये अंगूठी खुदा ने मुझे खुद पहनाई है, उस पर लिखा हुआ था अर्थ बिलोंग टू गॉड लवर. और वहाँ पर एक और वाकया भी पेश आया, वो भी बता देता हूँ कि खुदा, मुझे चाय पसंद है, खुदा अपने हाथ से चाय बनाकर लेके आया. फरिश्तों को हुक्म नहीं दिया और मखलूक को नहीं, खुद बनाई चाय. और जब चाय देने लगा तो घुटनों के बल बैठकर मुझे चाय दी. ये इनायात है. मैं आपको वो बात बता रहा हूं, जब खुदा मोहब्बत कर बैठता है तो फिर क्या हाल है, फिर मुकाम नहीं हाल शुरू होते हैं. एक हाथ में चाय थी, उसका जायका मुझे आज भी याद है, उस चाय का मैं भूल नहीं पाता. और वो अदाएं खुदा की, वो फजाएं, वो अदाएं, कई अजब से आलम थे. एक हाथ में घुटने के पल पहले बैठा, चाय दी, और दूसरे हाथ में एक बहुत बड़ा नूर का गोला था, वो मुझे दिया कि ये तेरे कंधों पे बैठेगा, ये तेरी रूह का हिस्सा है. उसके मतलब बाद में फरिश्तों ने बताया कि अगर ये समुंदर में फेंका जाए गोला तो सारा समुंदर नूरम नूर हो जाए. तो मोहब्बत में खुदा ने मुझे वो गोला भी दिया नूर का. वो आज भी मैं जंगल में चलता हूं तो मेरे ऊपर वो नूर का गोला मेरे कंधों और सर के दरमियान ये ऐसे जुड़ गया है जैसे फरिश्तों के पर. फिर खुदा ने मुझे फरिश्तों के पर भी दिए, फिर खुदा ने मुझे और कुछ भी दिया. लेकिन ये नूर, कंच नूर, ब्लू लाइट, ये खुदा का बराह रास्त नूर है जो खुद देता है. बाकी नूर हॉरिजॉन्टल हैं, फरिश्तों के नूर, दूसरे नूर, लेकिन ये नूर जो है खुदा का अपना है. तो जब मैं सफर करता हूं तो ये नूर मेरे मुझे गोले में ले लेता है और मैं इसके अंदर होता हूं. फिर कोहो मकान का सफर जो है एक सेकंड से कम उपेक्षा में तय कर लेता हूं. अगर मैं सैर करना चाहूं सुकून से, बहारों के जमाने देखना चाहूं, अजब अजब आलम, तो मैं प्रवास हल्की भी कर लेता हूं. लेकिन अगर चाहूं कि पलक झपकने से पहले पहुंच जाऊं खुदा के पास, तो इस नूर में ये ताकत है. थैंक यू सो मच. अगर आपके दिल के अंदर कीना तासब और अपने नबी की मोहब्बत भरी हुई है तो ये लेक्चर आपके ऊपर से गुजर जाएगा, कुछ भी फायदा नहीं होगा. आए भी खाली, गए भी खाली. लेकिन अगर खुदा की तलाश है, वो तुम्हारी मंजिल है, तो आप के सामने कुछ मैंने मोती आपको दिए हैं. जब आप इस पे ख्यालों में खो जाएंगे तो कहीं से कहीं पहुंच जाएंगे. थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू. विश यू हैव अ नाइस डे.